नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डीडी कल्याण जी। बाबा साहब की बातों को बहुत बढ़कर कर उन्होंने कल्याण जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैंने एसएम न्यूज़ चैनल का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आज के वक्त में सोशल मीडिया जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि देश के अंदर जो मीडिया है वो तो कहते ब्राह्मणवाद का मीडिया वो हमारी बात नहीं करता। सबसे पहले मैं एसएम न्यूज़ का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मूल्य मित्र की विचारधारा जो है ना कार्यक्रम होता है, आप जाते हो तो आज का जो कार्यक्रम है 25 दिसंबर को हम भारतीय समाज मान संघ के माध्यम से पूरे अंबेडकरी विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन ही बाबा साहब ने 1927 को मनुस्मृति का अध्ययन किया था और कहा था कि ये ब्राह्मणवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली ये जो पुस्तक है ये मामूली बात नहीं, और साथ कहा था कि बढ़ाती व्यवस्था को मनुस्मृति से पहले भी थी, जब ये पुस्तक आ गई तो ये ब्राह्मणों ने इसको कोडिफाई कर दिया, इसको एक कानूनी शेप दे दिया। कानूनी शेप देने का अर्थ है कि उसके अंदर मेंशन किया, लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या काम नहीं करना, हमारी सभी अधिकारों से वंचित किया हुआ है उसे अपना उस ग्रंथ के अंदर उसका अध्ययन किया। और आप देख लीजिए 1927 में ऐसा किया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लिखा, और ये भारत का संविधान इस देश के मूलवासी बहुजनों का एक आज़ादी का ग्रंथ है, और इस आज़ादी के ग्रंथ को ही हम अगर मतदान से अपना संभाल के रखेंगे, इसके ऊपर काम खुद करेंगे। मिल गया मैं तो मान समस्या।